हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जबीरिया सिद्दीकी, मेरे साथ तारिक, और आज हम बात करने जा रहे हैं गणेश की, क्योंकि अभी भाई फेस्टिवल भी चल रहा है और मैं देख रही होती हूँ इतना फूल लग रहे हैं, गेंदे के फूल हो रहे हैं और चढ़ावे चढ़ रहे हैं गणेश के लिए। इतना सेलिब्रेट करते हैं यार लोग। मैंने ना इस दफा ज्यादा फॉलो किया इसको, क्योंकि हम ये भी देख रहे थे रिलीजियन, वो काफी वीडियोस देख रहे थे, तो मैं फॉलो कर रही हूँ यार। सेलिब्रिटीज हर वो एक दूसरे के घर जा रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं। मैं देख रही थी निया शर्मा को, मतलब उसकी वीडियोस देख रही थी, ढोल बज रहा और वो इतना डांस कर रही है, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं काफी ज्यादा, तो लोग कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। और हमने लास्ट भी वीडियो इसी वो जो फेस्टिवल्स के कपड़े भाई साड़ियाँ, मैं तो फैन हूँ इंडियन साड़ियों की। मैंने बल्कि हम ये ना मैंने सोचा था कि अभी हमारा जो दिल्ली गेट है ना, वहाँ पे साड़ियाँ मिलती हैं, क्या खूबसूरत साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ होती हैं वो, और मैं तो बहुत फैन हूँ। तो हमने सोचा कि हम जाके व्लॉग करें, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको वो वाला व्लॉग देखना है, तो हम फिर करेंगे जाके, क्योंकि तो मैं शौक है साड़ियाँ पहनने का बहुत। और मतलब एक होता है ना इंडियन साड़ी, वो देख के ही, वो जो इन्होंने पहनी होती है उसको देख के होता है यार ये ट्राई। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा वो कल्चर बैरियर इस तरह से आ जाता है, क्योंकि उनका यहाँ तक का ब्लाउज होता है, वो मुझे बड़ा कूल लग रहा होता है यार। स्लीवलेस जो होती है ना बाजू, वो साड़ी ज्यादा प्यारी लगती है। लेकिन नहीं, वो फिर थोड़ा सा हमारा आ जाता है, लेकिन हम फुल स्लीव्स बनवा के और अच्छी सी एक पल्लू जो आता है ना, इस तरह से पल्लू डालते हैं, वो मुझे बड़ा प्यारा और लंबा सा पल्लू हो विद इयररिंग, जो बड़े बड़े वो होते हैं झुमके, झुमके ओहो मुझे झुमके इतने पसंद है। मैंने एक दो दफा यहाँ पे झुमके पहने भी हैं, तो मतलब लोग मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि क्यूट लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं। और वो एक और है पता नहीं, वो आता है कि इंडियन कुर्तीज, कि इंडियन कुर्तीज का आप रिव्यू करें तो मुझे और वो पता कोई बाजार भी बताते हैं प्रॉपर साथ बाजार बताया हुआ होता है कि इधर जाके ना इनका कोई व्लॉग वगैरह है वहाँ का, वो देखें। और मैंने वो देखी यार, तुम्हें पता तो है वो इंडियन वाली, वो जो चिकनकारी होती है यहाँ पे, ऐसे चिकनकारी फिर नीचे पट्टी आती है चिकनकारी की, वो वाली कुर्तियाँ वो मिल भी रही है व्हाइट कलर की, व्हाइट ज्यादा व्हाइट कलर ब्लैक और वो हर कलर में होती है, और लेकिन कलर प्लेन होता है, लेकिन वो काम जो होता है ना चिकनकारी का व्हाइट होता है, तो वो वाली कुर्तियाँ शॉर्ट भी होती है लॉन्ग भी होती है। वो मैंने खरीदनी है और वो मैं पहन के भी आऊंगी इस पे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। श्री गणेश विल रिटर्न आफ्टर 5000 ईयर्स, अननोन फैक्ट्स ऑफ गणपति बप्पा। ठीक है, ये अब हम वीडियो शुरू करते हैं, और ये कलयुग से इन्होंने कुछ लिंक किया है। कलयुग का भाई इंडियन ऑडियंस को बहुत ज्यादा आइडिया है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में और बता सकते हैं, हमें भी काफी ज्यादा आइडिया है अष्टावक्र, कलयुग, इन चीजों के बारे में हमें आइडिया है, लेकिन आप हमें और इन्फॉर्म कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, और जो भी हमारी ओपिनियन होगी वो हम वीडियो के एंड में शेयर करेंगे। वो त्योहार आ रहा है जब महाराष्ट्र के हर चौराहे और गली मोहल्लों से ढोल ताशों की गर्जना सुनाई देती है। घरों और मोहल्लों को सजाया जाता है, पंडाल बनाए जाते हैं, ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं, और गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाकर मोदक का भोग लगाया जाता है। एक ऐसा महोत्सव जिसे हमेशा जात पात और धर्म से भी ऊपर रखा गया, एक ऐसा महोत्सव जिसने आजादी की आग को एक बार फिर भड़काया और लोगों में एकता की भावना को जगाया। भक्ति और एकता का प्रतीक वो महोत्सव आज करीब 170 साल बाद भी एक ऐसा भव्य उत्सव है जो लोगों को आपस में जोड़कर रखता है। हर कोई खुशी से झूम उठता है जब उनका आगमन होता है। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, हमारे प्रिय गणपति। हम भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार मानते हैं। उन्होंने समय समय पर अपने अलग अलग अवतारों से इस संसार की रक्षा की, और आने वाले समय में अपने कल्कि अवतार से बुराई का विनाश करेंगे। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि इस कार्य में वो अकेले नहीं होंगे, उनका साथ देने आएंगे हमारे प्रिय गणेश जी। ये कहानियां हमारे इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में पाई जाती हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए हमें कई दिनों तक रिसर्च करनी पड़ती है। कई सारे ग्रंथ, इंटरव्यूज, रिसर्च पेपर्स पढ़ने में पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे एक स्क्रीन के सामने गुजर गए। और फिर सर दर्द, आंखों पर जोर और नींद खराब, इसलिए अब मैं यूज करता हूँ लेंसकार्ट के ब्लू लेंसेस। ये ना सिर्फ स्टाइलिश, लाइटवेट और अल्ट्रा ड्यूरेबल हैं, बल्कि मेरी आंखों को स्क्रीन के हार्मफुल रेस से भी बचाते हैं। और लेंसकार्ट की सर्विसेज बहुत कन्वीनियंट है। इनके स्टोर्स पर मुझे फ्री आई चेकअप मिल जाता है, और मेरे फेस के हिसाब से 500 प्लस ट्रेंडी डिजाइंस, जो कि पावर और जीरो पावर दोनों में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में स्पेशल ऑफर का लिंक है, जिसके जरिए आप पा सकते हैं फ्री ब्लू स्क्रीन ग्लासेस और प्रोग्रेसिव लेंसेस लेंसकार्ट के सभी फ्रेम्स पर, और साथ ही लेंसकार्ट की आइकॉनिक सेल में सभी सनग्लासेस पर 60% ऑफ। गो एंड चेक इट आउट।
गणेश पुराण में बताया गया है कि गणेश जी चारों युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में अलग अलग अवतार लेते हैं। कृतयुग यानी सतयुग में देव माता अदिति और महात्मा कश्यप के घर पैदा हुए श्री गणेश के अवतार महोत्कट, शेर पर सवार 10 भुजाओं वाले रूप में आकर गणपति ने 2 असुरों देवांतक और नारांतक का संहार किया। त्रेता युग में कैलाश पर्वत पर एक मंत्र का जाप कर देवी पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की, जिसके बाद गणेश जी ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। 6 भुजाएं, चंद्र समान चमकता सफेद शरीर और उनका वाहन एक मोर, इसी वजह से उनका नाम पड़ा मयूरेश्वर। गणेश पुराण के अनुसार मयूरेश्वर के जन्म का उद्देश्य कुछ और था। वो उद्देश्य था सिंधु राक्षस का वध करना, जिसने अमृत प्राप्त करके तीनों लोकों पर विजय हासिल की थी। मयूरेश्वर ने आगे चलकर सिंधु को पराजित कर उसके पेट को चीर कर अमृत निकाल दिया और सिंधु के कहर से सृष्टि को आजाद किया। इसी तरह द्वापर युग में भी गणेश जी महादेव और माता पार्वती के पुत्र स्वरूप पैदा हुए। उनकी 4 भुजाएं थी और उनका सिर एक हाथी का और उनकी सवारी एक मूषक था। उनका लक्ष्य था ब्रह्मा जी के पुत्र सिंधुरासुर के अत्याचार से संसार को मुक्त करना। सिंधुरासुर जो इतना शक्तिशाली था कि उसके डर से ब्रह्मा जी अपनी जान बचाकर भाग निकले, और तो और उसने एक बार स्वयं महादेव को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन सिर्फ 9 साल के गजानन भगवान ने उसे पराजित कर दिया। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में पृथ्वी पर मानवता की हालत बहुत भयंकर हो चुकी होगी। धरती सूख कर फट चुकी होगी और आसमान से तेजाब की बारिश होगी। मानव समाज में छल, कपट, ईर्ष्या और क्रोध अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुके होंगे। लोग अपने परिवार में ही एक दूसरे को धोखा देंगे और नरभक्षी बनकर अपने ही भाइयों का मांस खाएंगे। इंसान पूरी तरह एक दानव बन चुका होगा। इस सब के पीछे होगा एक राक्षस कली, जो धर्म और अच्छाई को नष्ट कर देगा। इस राक्षस कली का विनाश करने के लिए प्रकट होंगे भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि अवतार। एक भीषण युद्ध होगा जिसमें कली की पराजय होगी, लेकिन ये युद्ध कल्कि अकेले नहीं लड़ेंगे, उनके साथ होंगे गणेश जी के अवतार धूम्रकेतु। नीले घोड़े पर सवार होकर अपने रौद्र रूप में धूम्रकेतु प्रकट होंगे। वो कल्कि अवतार के साथ मिलकर कली और उसके दैत्यों से लड़कर उनका संहार करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार गणेश जी के इस चतुर्थ अवतार धूम्रकेतु या धूम्रवर्ण का जन्म कलयुग में होगा और वो दुष्ट लोगों का नाश करेंगे। धूम्रकेतु का एक अर्थ है धुआं और दूसरा अग्नि। इसका मतलब है कि जब पृथ्वी के अंत का समय आएगा तब धूम्रकेतु कल्कि अवतार के साथ मिलकर बुराई और अधर्म को भस्म करके नए युग की नींव रखेंगे। इस प्रकार धूम्रकेतु और कल्कि मिलकर धर्म और शांति को स्थापित करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के दाता माना जाता है, जो संसार के विघ्न दूर करते हैं, और ऐसी कोई पूजा नहीं जो उनके बिना शुरू की जाए। वक्रतुंड, एक दंत, लंबोदर, गौरी पुत्र गणेश, ऐसे 108 नामों से हम गणेश जी को जानते हैं। लेकिन इन सारे नामों के पीछे गणपति के वो अवतार हैं जिन्होंने समय समय पर मानवता की रक्षा की और बुराई का विनाश किया। डिफरेंट अवतार ऑफ गणपति। मुद्गल पुराण में कहा गया है कि गणेश जी ने मानव के अंदर की 8 बुराइयों का विनाश करने के लिए 8 अवतार लिए। इन्हीं की वजह से गणेश जी को अष्टविनायक भी कहा जाता है। इनमें से सबसे पहला अवतार है वक्रतुंड का। माना जाता है कि मत्सरासुर नाम का एक असुर इंद्रदेव का भक्त था, लेकिन इंद्रदेव ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। इंद्रदेव की इस अस्वीकृति की वजह से मत्सरासुर पूरी तरह जलन की भावना से भर चुका था। उसने ठान लिया कि वो इंद्रदेव ही नहीं बल्कि संसार में सभी से ज्यादा ताकतवर बनेगा और पूरी सृष्टि पर राज करेगा। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने कई वर्षों तक शिवजी की तपस्या की और आखिरकार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे दर्शन दिए। मत्सरासुर ने जब महादेव को अपनी इच्छा बताई तब उन्होंने उसे निर्भीकता का वरदान दिया, यानी अब मत्सरासुर को पूरी सृष्टि में किसी भी जीव से भय नहीं था। अपने इस वरदान से मत्सरासुर इतना शक्तिशाली बन चुका था कि वो असुरों का राजा बन गया। उसने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर सारे देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर विजय हासिल की। अपने विनाशकारी राज में मत्सरासुर ने चारों ओर तबाही फैलाई
इस सबसे परेशान होकर सारे देवता शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन शिव जी अपना वरदान वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने देवताओं को सलाह दी कि वो गणेश जी की आराधना करें। सारे देवताओं ने मिलकर गणेश जी की तपस्या की, जिसके बाद वो उनके सामने अपने विशाल वक्रतुंड अवतार में प्रकट हुए। शेर पर सवार 10 भुजाओं वाले गणपति का ये अवतार देखकर सारे देवता उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वो संसार को मत्सरासुर के विनाश से मुक्ति दिलाएं। मत्सरासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने 2 बेटों को गणेश जी से युद्ध करने भेजा। एक भीषण युद्ध छिड़ा जिसमें गणेश जी ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का वध कर दिया। और जब गणेश जी मत्सरासुर के सामने आए, तब उनके इस विकराल रूप के सामने मत्सरासुर का वरदान कमजोर पड़ गया। जिसे किसी से डर नहीं लगता था, वो गणपति के इस रूप को देखकर कांप उठा। उसने भयभीत होकर अपनी हार मान ली और वक्रतुंड के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा। और इस तरह गणेश जी ने मत्सरासुर यानी जलन या ईर्ष्या के असुर से संसार को मुक्त किया। भगवान शिव को हम एक महान योगी के रूप में जानते हैं। वो कई बार कैलाश पर या घने जंगलों के बीच जाकर अंतर ध्यान में लीन हो जाते थे। कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता था। लेकिन एक बार सभी देवताओं को किसी समस्या के लिए महादेव के मार्गदर्शन की जरूरत थी। उन्होंने माता पार्वती से विनती की कि वो किसी भी तरह महादेव को उनकी तपस्या से जगा दें। माता पार्वती ने बहुत सोचा और फिर महादेव को अपने पास आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर रूप धारण किया। उनकी योजना सफल रही और महादेव अपनी तपस्या छोड़ माता पार्वती के पास लौट आए। लेकिन जब उन्होंने अपना वो रूप त्याग कर अपना साधारण रूप अपनाया, तो उनके सौंदर्य के अंश से एक असुर ने जन्म लिया, मोहासुर। हर असुर की तरह मोहासुर को भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी शरण में ले लिया। उन्होंने उससे कहा कि वो सूर्यदेव की आराधना करे और उनसे किसी को भी अपने मोह में कर लेने का वरदान मांगे। और वही हुआ। अपना वरदान पाकर मोह के बल पर मोहासुर ने देवताओं को भी पराजित कर दिया। उसने पृथ्वी पर सभी ऋषि मुनियों को अपने वश में कर लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर क्रूरता और अधर्म बढ़ते जा रहा था। शुक्राचार्य ने मोहासुर को दैत्यराज घोषित कर दिया, जिसके बाद मोहासुर तीनों लोकों पर राज करने लगा। देवताओं के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने गणेश जी की शरण ली। गणेश जी ने महोदर रूप धारण किया और अपने मूषक पर सवार होते हुए मोहासुर का सामना करने चल पड़े। युद्ध में गणेश जी और मोहासुर के बीच एक भीषण संग्राम हुआ। मोहासुर अपनी शक्ति पर इतना घमंड कर रहा था कि उसने महोदर को हल्का समझा, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और युक्ति से मोहासुर को पराजित कर दिया। अपने शिष्य की मृत्यु के भय से शुक्राचार्य ने मोहासुर को गणेश जी से। अच्छा, जिन दो का मैंने सुना है ना, गणेश का एक मैंने बहुत ज्यादा सुना है और मैंने एक हनुमान का, हनुमान का भी मैंने बहुत ज्यादा सुना है उनका, और वो जो मंकी वाला होता है ना वो वाला, और ये थोड़ा सा उनका वो, और ये फेस्टिवल भी ऐसे हैं जो बहुत हनुमान वाले लेवल पे बड़ा मनाया जाता है। और मैं ये देख रही थी कि जिस तरह से उनके अवतार बताए हैं कि इतने ज्यादा उनके मल्टीपल अवतार, वो भी रहते भी हैं। लाइक मुझे ना वो वाली स्टोरी पता कैसी लग रही थी, जैसे हमारा बिलीव है ना कयामत पे, उनका वो बिलीव है कि ऐसे होगा, उससे पहले ऐसे होगा, मतलब ये सब लोग आएंगे और फाइट होगी, जैसे हमारे ना कि बिल्कुल ही युद्ध होगा। जैसे इन्होंने बताया कि कलयुग में इतनी बुराई होगी कली का एक वो जो, जैसे उन्होंने बताया कि दानव होगा और वो इतनी बुराई फैलाएगा, घर घर में बुराई होगी और फिर वो आएंगे और एक युद्ध होगा और उसके बाद दुनिया। वही मैं देख रही हूँ कि बहुत इस तरह ना सेम सिमिलर वाली फीलिंग आ रही है कि उन्होंने भी यही जो किया है कि बताया है कि आगे जो है वो काफी बुराई होगी, कि आप आपस में घर वाले ही एक दूसरे को स्कैम करेंगे, बुराई का, और वो जितना देख रही होती हूँ कि धोखा हो रहा होता है। अब जितना मैं देख रही होती हूँ कि आजकल काफी ज्यादा जो है, जैसे भाई जो है वो बहनों का हक मार लेते हैं, या कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं, मतलब हैरेसमेंट वगैरह के घर से केसेस निकलते हैं। वही यार, हैरेसमेंट का तो बहुत ज्यादा है कि जो जॉइंट फैमिली रहती है वहाँ पे बच्चों के साथ हैरेसमेंट, रेप, इस तरह के केसेस। अच्छा, वो केसेस है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा और वो हो रहा है, और वही चीजें मतलब बताई भी जाती है कि ऐसा सब होगा कब, जब मतलब दुनिया खत्म होने वाली होगी, जब कलयुग आएगा, जब इन्होंने बताया। लेकिन ये सुन के ना वाकई ऐसा हो रहा था कि ये बहुत चीजें फेमिनिन है, मिलती जुलती लग रही होती हैं। और जितने अवतार उन्होंने बताया कि इसके उसमें वो ऐसा अवतार लेंगे, फिर वो ऐसा अवतार लेंगे,
ये बहुत एक अलग सी डिफरेंट सी चीज थी, और जिस तरह से उनको सेलिब्रेट किया जाता है कि एक बड़ा क्यूट फॉर्म में, यू नो, एक बड़ा प्यारा लविंग सा, और जैसे ने बताया कि बच्चों के साथ वो बहुत अच्छी तरह, लेकिन जब सॉफ्ट से थे, और लेकिन जब उन्हें मतलब पता चलता है कि ये इस सॉफ्टनेस से नहीं होगा तो वो एक बन जाते हैं, मतलब वो अपना पूरा युद्ध वो कर सकते हैं, तो आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और भी जो आपके ओपिनियन है वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, लाइक करें और देख रहे हैं इनसाइड रिएक्शन, टेक केयर।